हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है गड्डी वाला में। मैं हूं राहुल और आज हम बात करने वाले हैं टीवीएस की एक नई बाइक के बारे में जो कि अपने सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है लोगों के बीच में, और उसका नाम है टीवीएस विक्टर। उसके BS6 वेरिएंट से रिलेटेड कुछ अपडेट निकल के आ रहा है, तो वही अपडेट के बारे में हम आज बात करने वाले हैं कि उसका क्या इंजन स्पेसिफिकेशन होने वाली है, क्या आपको नए फीचर्स मिलने वाले हैं, और बाइक कब लॉन्च होने वाली है, और उसका लेटेस्ट प्राइस क्या होने वाला है BS6 इंजन के साथ। तो सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, तो आप वीडियो के अंत तक जरूर देखें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे चैनल में जो भी लेटेस्ट वीडियो है उसका अपडेट और नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और ये एक बात का ध्यान रखें, बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल पर जरूर टिक करें, तभी आपको हमारे चैनल की सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इंजन के बारे में बात कर लेते हैं। इस बाइक में आपको 110cc का सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक एयर कूल्ड इको थ्रस्ट फ्यूल इंजेक्शन के साथ BS6 कंबाइंड इंजन देखने को मिल जाता है। अगर हम बाइक क्या खास बात है तो वो है इसके 3 वाल्व्स। इस बाइक में आपको 3 वाल्व्स देखने को मिल जाते हैं जो कि आपको TVS के और किसी बाइक में नहीं देखने को मिलते हैं, और इस 3 वाल्व्स की वजह से इसके पावर में और इसकी माइलेज में भी फर्क पड़ता है। तो अगर मैं बात करूं TVS की एक दूसरी बाइक के बारे में जो है TVS Star City, वो भी 110cc बाइक है और उसकी पावर 8.1 bhp है और टॉर्क 8.7 न्यूटन मीटर है। और TVS की विक्टर भी 110cc बाइक है, सिर्फ 3 वाल्व होने की वजह से इसकी पावर उस TVS Star City से थोड़ी सी ज़्यादा है। और जो प्रेजेंट में अभी आपको इसकी पावर मिलती है वो मिलती है 9.3 bhp की, और साथ ही साथ जो टॉर्क मिलता है वो मिलता है 9.4 न्यूटन मीटर का। और अगर हम बात करें BS6 में, तो BS6 में इसकी पावर और टॉर्क में थोड़ा सा यहाँ पर फर्क पड़ने वाला है, ड्रॉप होने वाली है 0.1 से लेकर 0.2 तक, फिर भी आपको 9 bhp की पावर देखने को मिल जाएगी इस बाइक में। और अगर हम माइलेज की बात करें तो इसकी माइलेज BS4 के मुकाबले 10% तक यहाँ बढ़ जाएगी, और एट BS6 में आपको इसकी माइलेज 75-80 किलोमीटर पर लीटर की मिल जाएगी। और इस बाइक में काफ़ी आपको हाईली एडवांस फीचर देखने को मिल जाते हैं जो कि आपको 110cc बाइक में देखने को नहीं मिलते हैं। और अगर हम बात करें इस बाइक में आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, तो सबसे पहले इस बाइक में आपको सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाता है जो कि अपने 110cc के सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा एडवांस है, आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है, जैसे कि सर्विस ड्यू इंडिकेटर, बैटरी इंडिकेटर, RPM मीटर या 2 trip meter हो गया, या फिर इंजन चेक लाइट हो गया, प्लस टाइम भी अब इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। इतने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाती है एक मीटर में, वो भी वो 110cc के बाइक में। तो ये सब उसी में आपको फीचर्स मिलते हैं 110cc के बाइक में, और काफ़ी अलग लगती है ये बाइक। एक्चुअली ये TVS की एक प्रीमियम बाइक है। और अगर हम बात करें नेक्स्ट टेक्नोलॉजी की, तो इस बाइक में आपको GTT टेक्नोलॉजी भी देखने को मिल जाती है, जिसकी हेल्प से आप सिटी ट्रैफिक में बिना एक्सेलरेशन दिए हुए भी बाइक को चला सकते हो, जो कि आपको देखने को मिल जाती है अपाचे सीरीज़ में। तो सेम टेक्नोलॉजी आपको 110cc की बाइक में देखने को मिलती है, और ये टेक्नोलॉजी आपको किसी और बाइक में देखने को नहीं मिलती है। और अगर हम डिज़ाइन के बारे में बात करें, तो इस बाइक में आपको BS6 के साथ नए ग्राफिक्स और नए कलर्स भी देखने को मिल जाएंगे। और अगर हम फ्रंट लुक की बात करें, तो फ्रंट में आपको LED हेडलैम्प देखने को मिल सकता है, कंफर्म नहीं है। टेल लाइट में हाँ, आपको जरूर थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। और साथ ही साथ इस बाइक में आपको हेजार्ड स्विच भी देखने को मिल जाएगा, जिसका मतलब कि अब आप एक स्विच की मदद से अपने चारों इंडिकेटर एक साथ ऑन ऑफ कर पाओगे। तो ये एक काफ़ी बढ़िया फीचर है, जब हम लॉन्ग राइड करते हैं तो ये काफ़ी हेल्पफुल होता है, और जब फोक पड़ती है तब भी ये काफ़ी काम आता है। और अगर हम ब्रेकिंग की बात करें, तो इस बाइक में आपको फ्रंट में ड्रम और डिस्क दोनों ही मिल जाते हैं। फ्रंट में जो ड्रम मिलता है वो 130mm का मिलता है, जो डिस्क मिलती है वो 240mm की मिलती है, और रेयर में आपको सिर्फ ड्रम मिलता है जो कि SBT टेक्नोलॉजी के साथ आता है, जो कि TVS की काफ़ी बाइकों में देखने को आपको मिल जाता है। सिंक्रोनाइज ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी जो कि आपको काफ़ी हेल्पफुल करता है एक अच्छी ब्रेकिंग में। और अगर हम बात करें सस्पेंशन का, तो सस्पेंशन आपको सेम ही मिलता है जो आपको BS4 में देखने को मिलता है। और अगर हम बात कर रहे हैं अब प्राइस की, तो इस बाइक का जो एक्शोरूम प्राइस होने वाला है वो 62,000 से 66,000 रुपये के बीच में होने वाला है, एक्शोरूम प्राइस दिल्ली। और अगर हम रो ऑन रोड प्राइस के बारे में बात करते हैं, इसका ऑन रोड प्राइस 80,000 से 85,000 रुपये तक जाएगा। और अब हम बात कर लेते हैं लॉन्चिंग डेट की, तो इसकी एक्चुअल में जो लॉन्चिंग डेट थी वो अप्रैल 2020 थी, बट लॉकडाउन की वजह से कंपनी को इसकी लॉन्च डेट आगे करनी पड़ी, और अब ये बाइक जून एंड में या फिर जुलाई के स्टार्टिंग वीक्स में लॉन्च हो जाएगी इंडियन मार्केट में, और जल्द ही आपको ये मार्केट में देखने को भी मिल जाएगी।
और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो का अपडेट अच्छा लगे, तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये अपडेट कैसा लगा। और वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं।